नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। जाटों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में फिर से सरकार से टकराने के मूड में जाट आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक में जाट नेताओं ने आंदोलन के लिए तैयार रहने का किया आह्वान। हरियाणा के मुख्यमंत्री और मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का गांव में होने वाले कार्यक्रमों का किया जाएगा बायकॉट। आप देख रहे हैं पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की ये रिपोर्ट। जाट आरक्षण संघर्ष समिति अपनी मांगों के समर्थन में एक बार फिर सरकार से टकराने के मूड में दिखाई दे रही है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेताओं ने आज समिति में जिला पदाधिकारियों की बैठक में संघर्ष के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेता बलवान करोड़ा ने व प्रवीण किच्छाना ने कहा कि पिछले महाजसिया में हुई रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने घोषणा की थी कि सभी जिलों में 16 अगस्त से प्रदेश के सभी जिलों में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के कार्यक्रमों का बहिष्कार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने जाट आरक्षण संघर्ष समिति से मांगों को लेकर के 4 बार समझौते किए, लेकिन सरकार ने उस पर कोई अमल नहीं किया, जिस कारण प्रदेश के अंदर जाट समुदाय के लोगों में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार जाटों की मांगों को पूरा नहीं करती, तब तक प्रदेश में ग्रामीण अंचल में मुख्यमंत्री और कैप्टन अभिमन्यु के कार्यक्रमों का बायकॉट किया जाएगा। आप देख रहे हैं पल पल में राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया था, उसमें ये ऐलान राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक द्वारा किया गया था कि आने वाली 16 अगस्त से हरियाणा के सभी जिलों में एक प्रोग्राम जो चलाया गया है उसमें ये है, 9 जिले प्रथम चरण में लिए गए हैं। 9 जिलों में माननीय मनोहर लाल खट्टर और वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का इन 9 जिलों में ग्रामीण आंचल में कोई भी प्रोग्राम होगा उसका जाट आरक्षण संघर्ष समिति उसका बायकॉट करेगी, क्योंकि इस जाट आरक्षण संघर्ष समिति से 4 बार समझौते किए और 4 बार समझौतों में जो हमारी मुख्य मांगे थी आरक्षण की, केस वापसी की और शहीद बच्चों को नौकरी, उनके परिवारों को नौकरी देने की, तो वो सारी की सारी मांगे इन्होंने पूरी नहीं की। उनमें से बहुत सी मांगे हैं जो आधी पूरी की है, तो वो जब तक पूरी नहीं होंगी, जब तक वो पूरी तरह लागू नहीं होगी, तो जाट समाज इन 9 जिलों में माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का और कैप्टन अभिमन्यु का ग्रामीण आंचल में कोई प्रोग्राम होने नहीं देंगे। हमारा जिस भी गांव में ये दोनों मुख्यमंत्री जी और कैप्टन अभिमन्यु प्रोग्राम करेंगे, वहाँ पर संवैधानिक तरीके से और एक बिना कोई नुकसान पहुँचाए और लोकतांत्रिक तरीके से हम प्रोग्राम करेंगे। जहाँ भी इनका प्रोग्राम होगा वहाँ पर सारा हरियाणा की कार्यकारिणी, सभी जिलों के पदाधिकारी वहाँ पर जाएंगे और शांति प्रिय ढंग से इनका विरोध करेंगे। जो हमारा 16 अगस्त से राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जसिया में ऐलान किया गया था कि आंदोलन की आज से शुरुआत है 12 अगस्त की जनसभा में, तो हम उस पर बिल्कुल खरा उतरेंगे और जाट समाज ने उसको लेकर अपनी तैयारियां भी पूरी कर रखी है। ये जो 25 तारीख वाली बात है, हमारी कल जसिया में प्रदेश की कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, मीटिंग में फैसले प्रदेश की कार्यकारिणी में सभी जिला के अध्यक्ष आए हुए थे, उनकी राय लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया गया, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी ना दिल्ली है ना हरियाणा, आज वो मध्य प्रदेश में है, कल वो राजस्थान में थे। जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे उसके बाद इस फैसले पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की मोहर जब लगी हुई इस फैसले के बारे में बात के बारे में विरोध जो 25 का फिर ही हम सुना पाएंगे, तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं आते तब तक इसको सुना नहीं पा रहे।